बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं अदिति अवस्थी और खबरों को पेश करेगी रजनी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लेफ्टिनेंट उमर फयाज को सैनिक सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उमर फयाज के पैतृक गांव में सेना ने बंदूकों की सलामी दी। आज सुबह लेफ्टिनेंट उमर फयाज का शव शोपिया में मिला था। कल रात करीब 10 बजे संदिग्ध आतंकियों ने उमर फयाज को अगवा कर उनकी हत्या कर दी। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। बेसिकली दिस वॉज अ वेरी डास्टर्डली एट अ एक्ट ऑफ कॉवर्डिस, जिसमें कुछ अननोन टेररिस्ट ने जो इस इलाके में रहते हैं, इन्होंने कल रात को लेफ्टिनेंट उमर फयाज को किडनैप किया है और बाद में उनको मार दिया गया है। इंडियन आर्मी इस दुख की घड़ी में इस फैमिली के साथ खड़ी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने विवादास्पद बयान दिया है। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर देशभक्ति और शहीदों के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव ने झांसी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान के दौरान ये बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा, सीमा पर शहीद होने वाले जवानों में कोई भी गुजरात का क्यों नहीं है? हम तो कहते हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे शहीद हुए हैं, बताओ गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो बताओ। तो शहीदों पर राजनीति करना, देशभक्ति की राजनीति करना, वंदे मातरम पर राजनीति करना, राष्ट्रवाद पर राजनीति करना, आखिरकार ये परिभाषा क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जासूसी के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। भारत ने इस फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 8 मई को अपील की थी। भारत की दलील थी कि पाकिस्तान की कोर्ट में जाधव के साथ जस्टिस नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा आज से अनशन पर बैठे हैं। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के नेताओं के विदेशी दौरों की सारी जानकारियों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं पर विदेश दौरों के दौरान कई अवैध काम करने का आरोप लगाया है। कपिल मिश्रा अपने घर के बाहर बैठकर अनशन कर रहे हैं। कपिल मिश्रा का कहना है कि ये अनशन नहीं बल्कि सत्याग्रह है। यात्राओं की पूरी जानकारी नहीं बताने तक वो केवल पानी पर रहेंगे। बीसियों विदेश यात्राएं की गई हैं और ऐसे लोग जो अपनी हर छोटी छोटी बात को सोशल मीडिया में डालते हैं, उन्होंने अपनी विदेश यात्रा की कोई डिटेल सोशल मीडिया में शेयर नहीं की है। हमारे को हमेशा से ये कहा गया कि हमारी पार्टी के पास चुनाव लड़ने का भी पैसा नहीं है, तो इतनी सारी विदेश यात्राओं का पैसा कहाँ से आया, किसके पैसे से गए, कहाँ गए, किन लोगों से मिले, क्या क्या किया इन विदेश यात्राओं में। बीएसपी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे अफजल सिद्दीकी को पार्टी से निकाल दिया है। बीएसपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में ये कार्रवाई की है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर पार्टी ने टिकट बांटने में पैसा लेने का भी आरोप लगाया है। नसीमुद्दीन का कहना है कि उनके पैसों की वजह से निकाला गया। इसको लेकर जल्द ही वो सबूतों के साथ मायावती के खिलाफ बड़ा खुलासा करेंगे। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरकती ने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटाने से इनकार कर दिया है। मौलाना का कहना है कि उन्हें ब्रिटिश सरकार ने लाल बत्ती लगाने की इजाजत दी और इस देश में अभी भी ब्रिटिश वक्त का कानून ही चलता है, इसलिए वो लाल बत्ती नहीं हटाएंगे। मौलाना ममता बैनर्जी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन मौलाना ने ममता के लिए भी अपशब्द कहे। मौलाना ने पीएम मोदी को भी धमकी दी और देश में जिहाद छेड़ने की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट आज से पेपरलेस और डिजिटल कोर्ट बन गया है। पीएम मोदी ने आज सुप्रीम कोर्ट के इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट के पेपरलेस सिस्टम से न्याय व्यवस्था में और पारदर्शिता आएगी। फरियादी को वास्तविक वक्त में अपने मुकदमे की प्रगति के बारे में जानने में मदद मिलेगी। साथ में केंद्र और राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग को यह पता चल जाएगा
कि क्या उन्हें मामले में पक्षकार बनाया गया और उन्हें इसी के अनुसार तैयारी करने में मदद मिलेगी। विज्ञान भवन में बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करने वाले आइसोलेशन में चले जाते हैं। जब मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, आईटी प्लस आईटी इक्वल टू आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। ये सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य का हम उपयोग करके कैसे आगे बढ़े। यूपी के अमरोहा में पुलिस का अमानवीय चेहरा फिर से दिखाई दिया है। यहाँ पर कोर्ट के कुर्की के आदेश पर एक घर को खाली करवाने पुलिस वाले पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस वालों ने 70 साल की बुजुर्ग महिला को घसीटकर घर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी को बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस वालों ने बेरहमी के साथ महिला और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। पटना के दानापुर में 90 लाख रुपए की शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। हरियाणा से करीब 17,000 शराब की बोतलों को तस्करी कर बिहार लाया गया था। दानापुर पुलिस और पटना के डीएम की मौजूदगी में शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए ट्रक की भी नीलामी की जाएगी। बिहार के कटिहार जिले में सावधानी के बिना जब्त शराब को नष्ट करना पुलिस वालों पर भारी पड़ गया। करीब 600 लीटर शराब को पुलिस नष्ट कर रही थी, लेकिन पुलिस ऐसा कर पाती उससे पहले शराब से भरे कंटेनर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में किसी को हालांकि गंभीर चोट नहीं आई है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सीआरपीएफ के जवान आज योगा करते नजर आए। ड्यूटी पर तनाव कम करने के मकसद से हीरा नगर में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर योगा सेशन का आयोजन किया गया। योग शिविर का मकसद उन जवानों के तनाव को कम करना है जो घाटी में पत्थरबाजों का सामना कर रहे हैं। योग शिविर में सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ कई बड़े अफसरों ने भी हिस्सा लिया। 5 से 10 बार हम कर सकते। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चीन से सड़क हादसे का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार बाइक सवार ने ट्रक को सीधे टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक में आग लग गई। ट्रक ड्राइवर तेजी से नीचे उतरा और बाइक सवार की जान बचा ली। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में मौजूद एक न्यूक्लियर प्लांट में एक बड़ा गड्ढा हो गया है। ये गड्ढा यहां से गुजर रही एक रेल सुरंग के धसने की वजह से हुआ है। इन तस्वीरों में प्लांट में बना गड्ढा साफ देखा जा सकता है। सुरंग के धसने के तुरंत बाद एहतियातन न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया। सीरिया के हामा प्रांत में सेना ने कल पैराशूट बम गिराए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सेना ने 30 से ज्यादा बम गिराए। हालांकि बमबारी में मरने वालों का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। उधर रूस और विद्रोहियों के बीच युद्ध विराम का असर भी कई इलाकों में काफी हद तक देखा जा सकता है, जहां शांति बन गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।